सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मैनी क्रिएटिव आइडियाज़ को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट क्रिएटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैनी क्रिएटिव आइडियाज़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको घर पर डंबल्स बनाना सिखाऊंगा, तो जानने के लिए मेरी इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डंबल्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 डिब्बे रेत चाहिए होगी, उसके बाद दोस्तों आपको 1 डिब्बा सीमेंट चाहिए और आपको 1 डिब्बा पानी चाहिए। अब दोस्तों आपको उस साइज़ के 2 डिब्बे लेने हैं जितने साइज़ के आप डंबल्स बनाना चाहते हैं। अब दोस्तों आपको उसके बाद 2 पाइप के टुकड़े भी चाहिए होंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपने एंटीना के पाइप का इस्तेमाल किया है और उस पर मैंने रबर पाइप लगा दिया है। आप कोई भी नॉर्मल पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम बीच में डिब्बे के लगा देंगे ताकि हमारे डंबल्स में बीच में होल हो जाएं। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले रेत और सीमेंट को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए दोस्तों, आपको इस प्रकार रेत और सीमेंट आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने हैं। अब दोस्तों आपको इसमें बीच में पानी कोरना है और आपको इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि पानी, रेत और सीमेंट आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब हम दोस्तों इनको मिक्स कर लेते हैं। रेत और सीमेंट को दोस्तों आपस में मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, आपको 1 डिब्बा लेना है और उसमें आपको बीच में पाइप लगा देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि उसमें बीच में पाइप लगाने के बाद दोस्तों आपको उसमें सीमेंट और रेत का मिक्सचर भर देना है अच्छे से। देखिए दोस्तों, आपको इस प्रकार दोनों डिब्बों में पाइप लगाकर सीमेंट का मिक्सचर भर देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको इन्हें 1 दिन के लिए सूखने के लिए रख देना है। देखिए दोस्तों, ये सूखने के बाद कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको इन्हें 1 दिन के लिए पानी में अच्छी तरीके से डुबा कर रख देना है। अगर दोस्तों आप इसे पानी में नहीं डुबाओगे तो यह बाद में धीरे धीरे चटकने लग जाएंगे, तो इसी वजह से आप इसे 1 दिन तक अच्छे से पानी में डुबा दीजिए। दोस्तों, यह मैंने एक और बना के रखे थे, यह मैंने पानी में अच्छे से डुबा दिए हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि दोस्तों आपको एक प्लास्टिक सीट लेनी है। यह दोस्तों बाइंड करने के काम में आती है, वो वाली प्लास्टिक सीट है। आपके पास जो भी प्लास्टिक सीट हो आप उसे ले सकते हैं, या फिर दोस्तों आप इसके बीच में पाइप भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको इन्हें रोल करके इन दोनों सीमेंट के जो आपने ब्लॉक बनाए थे उनमें लगा देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको दोस्तों सेलो टेप लेना है और दोस्तों आपको इन दोनों सीमेंट के ब्लॉक को अच्छे से कवर करना है। देखिए दोस्तों, आपको इस प्रकार दोनों ब्लॉक पर अच्छे से सेलो टेप लगाकर उसे कवर कर देना है और उसके बीच में दोस्तों आपको होल कर देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको दोस्तों इस प्रकार की प्लास्टिक सीट चाहिए होंगी 4। ये प्लास्टिक सीट दोस्तों आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर मिल जाएगी जिसके यहाँ पर मोटर बाइंडिंग करने का सामान मिलता हो। यह दोस्तों मोटर बाइंडिंग करने के काम में आती है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ऐसे 4 पीस काट के सीमेंट के दोनों ब्लॉक के आगे पीछे आपको इस प्रकार चिपका देना है। देखिए दोस्तों, आपको इस प्रकार से प्लास्टिक की सीट सीमेंट के दोनों ब्लॉक के आगे पीछे चिपका देनी है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि दोस्तों आपको 1 फुट के आधी इंची का बोल्ट है दोस्तों, ये आपको दोस्तों किसी भी हार्डवेयर शॉप पर मिल जाएगा।
अब दोस्तों आपको ऐसे 3 नट और चाहिए होंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको एक ब्लॉक ऐसे इसमें लगा देना है, और दोस्तों आपको यह पेच कस देना है। देखिए दोस्तों आपको इस प्रकार से पूरा पेज अच्छे से टाइट कस देना है। और दोस्तों हमने यहाँ पर प्लास्टिक सीट लगाई थी, तो इससे कि आप इसे अगर टाइट भी कस दोगे तो इससे सीमेंट नहीं जड़ेगी। अब दोस्तों आपको एक और पेज कसना है इस तरफ। आपको दोस्तों यह पेज इतना कसना है कि यह ब्लॉक आसानी से इधर फिट हो जाए और दूसरा पेज भी फिर कस जाए। देखिए दोस्तों अब आपको एक और पेज इसमें कस देना है। इसे भी दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से टाइट कस देना है। देखिए दोस्तों हमारे यहाँ डंबल्स बनके तैयार हो चुका है। अब दोस्तों केवल आपको एक आखिरी काम करना है कि आपको एक न्यूज़पेपर लेना है और उसको इस बोल्ट के ऊपर अच्छे से चिपका देना है अच्छे से दोस्तों आपको। देखिए दोस्तों आपको इस प्रकार डंबल्स पर अच्छे से न्यूज़पेपर लपेट देना है, जिससे कि दोस्तों यह हाथ में से फिसलेगा नहीं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों मैं आपको अपने दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपके साथ और आपकी मदद से मैंने अपने चैनल पर 5,000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। तो दोस्तों आप सभी के साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको दिल से थैंक यू बोलता हूँ। तो मेरी वीडियो इसी तरीके से देखते रहिए। तो दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।